Good morning and welcome to my classes. My dear, today I am coming to you with a special class that will give you a base for English speaking. आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ English speaking के लिए कुछ बेस आपका सबसे पहले बनाया जाएगा. अगर हम डायरेक्ट आपकी क्लास English speaking की लेने लगेंगे तो वो आपके साथ जस्टिस नहीं होगा. इससे बढ़िया ये है कि सबसे पहले हम आपको कुछ बेस में दें, कुछ फाउंडेशन आपकी रखें. जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको कुछ फ्रेजेस या प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में बताया, वो कहाँ कैसे यूज होना है, कहाँ पे क्या गलत होता है, क्या सही होता है, तो पहले उसकी आदत डाली है. देन आज जो मैं लेके आ रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दैट इज idioms and phrases. Idioms and phrases are really ornaments to your sentences. जैसे कि ornaments होते हैं या किसी के women के लिए ornaments बहुत important होते हैं, उनसे और मतलब वे beautify करते हैं. उसी प्रकार से हमारे sentences को beautify करेंगे ये idioms and phrases. कभी कभी translation method में दिक्कत आ जाती है. हम लोग बिकॉज वी आर फ्रॉम इंडिया सो वी बिलीव और वी रिलाय ऑन द ट्रांसलेशन मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश विच आई डोंट थिंक इज ए फूल प्रूफ मेथड. सो बेटर क्या है कि हम कहाँ पे कैसे ट्रांसलेट करें, क्या करें, अंग्रेजी कैसे बोलें, ये बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आएंगी. तो अंग्रेजी बोलने में कभी कभी हम ट्रांसलेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं और सेंटेंस बहुत ख़राब बन जाता है, सेंटेंस का सेंस नहीं बनता है. और मैं अपनी क्लासेस में बार बार आपको रिपीट करता हूँ इस बात को कि अंग्रेजी में सेंस समझना बहुत ज़रूरी होता है. बिना सेंस के अंग्रेजी कभी आप सही बोल ही नहीं सकते, ना सही सेंटेंसेस आप बना सकते हैं. तो आज मैं वही चीज़ लेके आ रहा हूँ, अभी कई सीरीज़ में चलाऊँगा इसकी, जिससे कि आपका पूरा बेस बने. उसके बाद कैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं ये तो सब आप खुद ही समझ जाएंगे. तो चलिए, मैंने कहा था कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं, वो सेंस के हिसाब से बनता है. उसके लिए इडियम्स बने हुए हैं, उसके लिए फ्रेजेस बने हुए हैं, राइट. जैसे कोई पहाड़ है, वहाँ नहीं जा सकते, इस पहाड़ से उस पहाड़ में नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए क्या ब्रिज बना हुआ है. तो ये सब सारी चीज़ें, ये मटेरियल हम आपको देख रहे हैं, तो ब्रिज है ये. और ज़्यादा ही कहें तो ब्रिज कोर्स है, जो कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग में अंग्रेजी के नॉलेज को एनहेंस करने में मदद करेगा. तो चलिए, अब कैसे क्या है, हम कैसे बोलते हैं, कैसे ऑकवर्ड बोल लेते हैं कभी कभी, ये आपको सब पता लगेगा. तो पहला मैं इडियम लेके आया हूं, टू गो इनटू ब्लैक. देखो, ट्रांसलेशन मेथड पे थोड़ा आएंगे तो आपको लगेगा कि इसका मतलब क्या है. टू गो इनटू ब्लैक का मतलब काले में जाना. सेंस बना? नहीं बना. लेकिन ये फ्रेज बना हुआ है किसी बड़ी समस्या को सॉल्व करने के लिए, हमने ये बनाया है. टू गो इन टू ब्लैक, आपने देखा होगा जब किसी को शोक मनाते हैं तो क्या करते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, राइट. टू वियर ब्लैक क्लोथ्स ये बोलेंगे. लेकिन ये कितना ऑकवर्ड लग रहा है, वियर ब्लैक. अरे वियर क्यों कहेंगे, यहाँ पे सीधा बोलेंगे टू गो इन टू ब्लैक्स. हर हस्बैंड इज डेड एंड शी हैज गॉन इन टू ब्लैक्स या शी इज इन टू ब्लैक्स, राइट. हम लिखेंगे she has gone into black as her husband is dead, राइट. माने उसने काले कपड़े पहने हुए, शोक के कपड़े पहने हुए, क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई. तो टू गो इनटू ब्लैक, आई थिंक किसी भी सेंस में आप इसका वैसे ही यूज करेंगे. किसी की मौत पे शोक के कपड़े पहने जाते हैं, ब्लैक्स पहने जाते हैं, ब्लैक कपड़े. तो आप कौन सा फ्रेज यूज करेंगे, टू गो इनटू ब्लैक, शी इज वेयरिंग ब्लैक क्लोथ्स, कितना ऑड लग रहा है ये. तो इससे सेंटेंस अच्छा भी लगेगा और इंग्लिश स्मार्ट भी बनेगी. उसी प्रकार से वी कम ओवर टू अनदर सेंटेंस फ्रेज, टू गो ग्रे. ग्रे का मतलब तो पता ही आपको, सफेद होने से मतलब होता है बाल सफेद होना. तो अगर मैं लिखूं माई हेयर इज ग्रोइंग या हेयर आर ग्रोइंग ग्रे, तो क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है, गलत तो नहीं है, लेकिन इतना बढ़िया नहीं है कि जितना कि हम इसको फ्रेज से बना सकते हैं, राइट.
तो अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग ग्रे, आई एम गोइंग ग्रे एट 30, मैंने 30 साल की एज में मेरे बाल सफेद होने लगे हैं। अब अगर ट्रांसलेशन मेथड पे आ जाओ, 30 साल की उम्र में मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, तो एट द एज ऑफ 30 माई हेयर आर ग्रोइंग, हम क्या बोलेंगे, बालों के सफेद होने व्हाइट बोल देते हैं, ग्रोइंग व्हाइट। एब्सोल्युटली रॉन्ग, बहुत रविश इंग्लिश बन जाएगी। हमेशा बाल सफेद होने के लिए आप ग्रे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने ये भी नहीं कहा कि आई एम या माय जो भी है किसी और तरह से, हमने सीधा कहा आई एम गोइंग ग्रे एट 30। कितना अच्छा लग रहा है सेंटेंस, यू आर गोइंग ग्रे प्रीमैच्योरली, एज से पहले आप जो सफेद हो रहे। चलिए आई थिंक डन। होत एट ऑल, देखो एट ऑल शब्द आप भी यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, जगह जगह इसका यूज होता है। एट ऑल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल, लेकिन माइंड इट, हमेशा इसका यूज नेगेटिव में होता है और हमेशा इसका यूज पॉजिटिव में भी होता है। इट्स रादर कंफ्यूजिंग, हाउ कम दिस एनी फ्रेज कैन बी यूज पॉजिटिवली और नेगेटिवली, यस इट्स पॉसिबल। देखिए नेगेटिव में कैसे यूज होता है इसका, बिल्कुल नहीं के सेंस में, आई डोंट लाइक यू एट ऑल, मुझे तुम, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, आई डोंट लाइक यू एट ऑल, ये तो नेगेटिव में आ गया क्योंकि नॉट आ गया। अब मैंने कहा था पॉजिटिव में, पॉजिटिव में कोई डाउट है या फियर है, कोई संदेह है या डाउट है, तब हम इसका पॉजिटिव में यूज करते हैं, माइंड इट। डाउट एंड किसके लिए, वही फियर या संदेह जो भी है उसके लिए हम पॉजिटिव एट ऑल का प्रयोग करेंगे। तो कैसे, आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड ही विल पास एट ऑल, हम बोलते हैं ना कभी कभी, पास होगा भी या ना हो जाए मुझे तो डाउट लग रहा है। ही विल पास एट ऑल, देखो मैंने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया, ही विल पास एट ऑल, आई एम अफ्रेड से जोड़ दिया इसको, ओके। वैसे भी जब आगे हम आपको बताएंगे तो अफ्रेड जब हम बोलते हैं तो नेगेटिव सेंस में बोला जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से ये पॉजिटिव है। अब चलिए नेक्स्ट फ्रेज, ऑल आईज ऑल इयर्स ऑल अटेंशन ऑल स्माइल्स, ये ऑल ऑल करके मैंने 5-6 लिख दिए यहां पे, इसका मतलब क्या है, ऑल आईज इंग्लिश का फ्रेज है, जैसे बड़ी ध्यान से मैं बिल्कुल नजर लगा के बैठा हुआ हूं, बड़ी ध्यान से छोटा बच्चा आसमान में देख रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, तो ही इज ऑल आईज एट द एरोप्लेन, आई एम ऑल आईज एट माय बुक, इसका मतलब बड़े ध्यान से मैं किसी चीज को देखता हूं तो ऑल आईज आएगा, राइट, आई एम ऑल आईज, मैं इसका बना सकता हूं, आई एम ऑल आईज एट माय बुक, बड़े ऑल ईयर्स, ध्यान से सुनना, जब ऑल शब्द का यूज हो गया वेरी अटेंटिवली एक्सेस हो जाता है, तो ऑल आईज ऑल ईयर्स, आई एम ऑल ईयर्स टू योर लेक्चर, या शी इज ऑल ईयर्स टू माय लेक्चर, वो मेरे लेक्चर को बड़े ध्यान से सुन रही है। अब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर करते हैं इसकी, तो शी इज लिसनिंग टू माय व्हाट लेक्चर वेरी अटेंटिवली, सेंटेंस तो ठीक ही बना लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर कोई अंग्रेज इसको बनाएगा तो वो इस तरह से बोलेगा, ओह शी इज ऑल ईयर्स टू माय लेक्चर, यू आर ऑल ईयर्स टू माय टॉक, इस तरह से आप कह सकते हैं। ऑल अटेंशन भी बिल्कुल वही है, राइट, द ऑडियंस फॉर ऑल अटेंशन टू माय लेक्चर, द ऑडियंस वर ऑल अटेंशन टू पीएम स्पीच, इस तरह से आप ऑल स्माइल्स भी बिल्कुल पूरा हंसते ही रहना, मुस्कुराते हुए रहना, आई हैव ऑल स्माइल्स टू यू, आई एम ऑल स्माइल्स टू दिस सिचुएशन, राइट, इस तरह से हम इसका यूज करेंगे, बहुत ध्यान से हमें यूज करना है। दो तो मैंने यहाँ पे लिख दिए, 2-3 आपके लिए, आप खुद बनाओ, कमेंट्स में लिखो, कोई प्रॉब्लम होती है क्लियर आउट उसको कर लीजिए। टू बी एट, देखो ये भी बहुत अच्छा फ्रेज है इंग्लिश का, टू बी एट का मतलब होता है टू डू समथिंग, अगर मैं किसी को पूछूं व्हाट आर यू डूइंग, तो ये तो सभी जानते हैं बहुत आसान है व्हाट आर यू डूइंग, लेकिन अगर मैं व्हाट आर यू एट, सीधा बोलते हैं व्हाट आर यू एट, तो या व्हाट आर यू अप टू,
तो और बढ़िया लग रहा है, तो इसलिए हमने टू बी एट का रिजल्ट किया। आई वॉज एट माई स्टडी, आई वॉज एट माई स्टडी, या व्हाट आर यू एट, हम क्वेश्चन के रूप में पूछ सकते हैं, व्हाट आर यू एट, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू एट मींस व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट बाय एंड बाय, देखो बाय एंड बाय का जो मीनिंग है, जो मैंने यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, बाय एंड बाय के संबंध में थोड़ा सा एक बात है जो कि कई सारे लोगों ने मेरे से कहा है। बाय एंड बाय का मतलब लोग समझते हैं धीरे धीरे, बाय एंड बाय यू विल रिकवर फ्रॉम ए डिजीज, दैट इज रॉन्ग एक्सप्रेशन। बाय एंड बाय का मतलब धीरे धीरे बिल्कुल नहीं होता है, फॉरगेट इट। सो बाय एंड बाय का मतलब होता है तुरंत बाद या शीघ्र ही, मतलब बाय एंड बाय यू रिकवर, तुम जल्दी ही रिकवर हो जाओगे, शीघ्र रिकवर हो जाओगे। हम लिख सकते हैं यू विल रिकवर बाय एंड बाय। अगर आप धीरे धीरे के सेंस में इसका यूज करते हैं तो गलत है, तो एकदम से उसको भूल जाइए। धीरे धीरे के सेंस में आप यूज करेंगे ग्रेजुअली, शी इज प्रोग्रेसिंग ग्रेजुअली, शी इज प्रोग्रेसिंग ग्रेजुअली, तो आप ग्रेजुअली शब्द का इस्तेमाल करेंगे, न कि बाय एंड बाय का, राइट। देन बाय द वे, ये भी बहुत अच्छा है, जनरली जब हम बातचीत करेंगे तो बाय द वे शब्द बहुत बार बोला जाता है, कब यूज करते हैं, कौन सी सिचुएशन में इसका यूज किया जाएगा बाय द वे का, पहले हम आपको सिचुएशन बताएंगे। दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, राइट, सिचुएशन ये है, दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं और बात के बीच में आप कोई नया टॉपिक थोड़ा सा बोलना चाहते हैं। कभी कभी हो जाता है ऐसे कि कोई बात किसी टॉपिक पे कर रहा है, आप बीच में कुछ और बोल देते हैं, तो वहां पे आप एक शब्द जरूर लगाएंगे बाय द वे। जैसे आपके मेरी बात चल रही है बारिश पे, रेनफॉल एग्रीकल्चर पे कह रखे, लेकिन मैंने तब तक क्लाइमेट पे पूछ लिया, हाउ बाय द वे हाउ इज द क्लाइमेट देयर, बाय द वे हाउ इज द क्लाइमेट देयर। तो बाय द वे का मतलब बीच में जब हम कोई चीज बोल लेते हैं डिस्टर्ब करके, तो बाय द वे जैसे बोलते हैं ना वैसे वहां पर, या बीच में कहा जाए थोड़ा मैं आपको रोके बोलूं, इस तरह से शब्द हम बोले तो बाय द वे का इस्तेमाल करो। बाय द वे हाउ इज योर हेल्थ, वैसे आपकी हेल्थ कैसे है, हम बोलते हैं ना बीच में वैसे आपकी हेल्थ कैसे है, बाय द वे हाउ इज योर हेल्थ। तो आपने देखा ये मैंने 8 सेंटेंसेस इसके बना दिए। अब आगे के लिए हम कुछ सेंटेंस लेके और आएंगे, आज के लिए पहले आप इतना कर लीजिए, छोटी सी यूनिट है, ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। एंड अगेन विद वन मोर रिक्वेस्ट, टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद दिस। थैंक्स, सी यू टुमारो।